पूरे भारत में अब तक कोरोना पॉजिटिव मामले 31 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इसके बावजूद भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में 2 करोड़ 40 लाख केस आने के बाद टॉप 8 देशों में नए कोरोना केसेस घटने शुरू हो गए हैं। इन 8 देशों में दुनिया के 2/3 कोरोना केसेस हैं। ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में नए कोरोना केसेस पर लगातार खुशखबरी मिल रही है। अमेरिका और भारत में भी कोरोना केस वृद्धि दर में गिरावट आई है। ऐसे में मैक्सिको अकेला ऐसा देश है जहां कोरोना केस में गिरावट आने के बाद दोबारा केसेस बढ़ने लगे हैं। बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में संक्रमण की दर लगातार घट रही है। तमिलनाडु कोरोना केसेस के मामले में देश के टॉप 5 लिस्ट में शामिल रहा, लेकिन पिछले महीने से वहां कोरोना केसेस घटने लगे हैं। बिहार, असम, यूपी और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना केसेस में तेजी से वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब वहां भी एक्टिव केसेस में तेजी से कमी आने लगी है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, केरल, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं। यहां चिंता की बात यह है कि इन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव केसेस का ग्रोथ रेट कम हुआ है, लेकिन कुल नए कोरोना केसेस में गिरावट आने का अब भी इंतजार है। इसकी वजह से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में एक्टिव केसेस की संख्या राष्ट्रीय औसत या उससे भी ज्यादा की दर से बढ़ रही है। देश में अभी रिकवरी रेट बढ़कर 75.92% पर पहुंच गया है और यह दर लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो कि पूरे भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वहीं 22.24% मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि डेथ रेट घटकर 1.84% पर आ गया है। सोमवार को एक दिन में कुल 66,500 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि 24 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,68,27,520 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,25,383 सैंपल्स कल यानी कि सोमवार को टेस्ट किए गए।